हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल्स आदि फ्रेंड्स एआईएसएल आई दैट इज एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इसमें इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स और एम कैंडिडेट्स और लाइक एन सी ट्रेंड कैंडिडेट्स जिनके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है एटलीस्ट टेंथ के बाद आई कोर्स जितने किया है सो so, वो स्किल टेक्नीशियन पोस्ट और बी वन टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सो बेसिकली ये जो पोस्ट है दैट इज़ फॉर कोलकाता ईस्टर्न रीजन के लिए है ईस्टर्न रीजन में रीजन में ए आई एस एल का जो एम आर ओ यूनिट है इट इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता एयरपोर्ट ओनली सो अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट में एज ए टेक्नीशियन और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन में ए आई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड विच इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू सो फ्रेंड्स ए आई ए सैल बेसिकली ये एयर इंडिया का एक सब्सिडियरी हुआ करता था बिफोर डाइवेस्टमेंट बट ये राइट नाउ इट इज अ सेपरेट एंटिटी एंड इट वर्कस इंडिपेंडेंटली ये ए आई एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसका काम है बेसिकली एयरक्राफ्ट का जो मेनटेनेंस रिसर्च एंड ओवरऑल करना सो so, इसका जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन पोस्ट है सो इसका स्टार्टिंग सैलरी है अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जिसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा एंड इनिशियली पाँच ईयर का या फाइव इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ये इशू कर रहा है सो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इंटरव्यू इसका जो डिटेल्स है और कितना वैकेंसी है कौन सा पोस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आदर्श जो रिक्वायरमेंट है सो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा सो so फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉगो टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको ऐसे ही लेटेस्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलता रहेगा टाइम टू टाइम एंड फ्रेंड्स अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं देन डोंट फॉगो टू फॉलो सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो के डिटेल्स में ए आई एस एल और ए आई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड इसका जो लेटेस्ट जॉब ओपनिंग है सो दैट इज़ एट कोलकाता एयरपोर्ट सो अगर आप एज ए टेक्नीशियन और एयरक्राफ्ट मेटेनेंस इंजीनियर का कोई कोर्स किया है या एज ए टेक्नीशियन काम करना चाहते हैं तो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू सो ए आई एस एल इज़ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी सो यू नो द डिटेल्स ऑलरेडी मैंने बता दिया सो so, बेसिकली देखते हैं कि क्या लेटेस्ट जो जॉब वैकेंसी है सो बहुत सारा एयरपोर्ट के लिए है सो एज आई एम फ्रॉम कोलकाता सो ईस्टर्न रीजन में एक वैकेंसी आया है सो आई डिस्कस दैट वैकेंसी सो ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं दैट इज़ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी वन बी टू एंड स्किल टेक्नीशियन सो दो पोस्ट है सो so, अगर आपका आपके पास एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी वन बी टू कोर्स किए हैं और इफ़ यू आर स्किल टेक्नीशियन लाइक पास आउट फ्रॉम एनसी टीवी टी एंड रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट सो so, इसका पब्लिकेशन डेट है ऑन सिक्स मार्च एंड इसका जो लास्ट जो डेट है सो दैट इज़ ऑन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इसका लास्ट डेट है सो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स हम लोग देखेंगे वर्क इन इंटरव्यू जो है दैट इज़ टेक्नीशियन सो फाइनल जो ये एडवर्टाइजमेंट है सो so इसका डेट है सिक्स मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ईस्टर्न रीजन के लिए है सो so, इसमें बेसिकली इंगेजमेंट जो है दैट इज़ फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस बी वन एंड बी टू ट्रेड एंड स्किल टेक्नीशियंस सो ईस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी है सो बेसिकली ए आई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड ए आई एस एल ये एक प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है सो so ये अप्रूव्ड है बाई डी जी सी एम आर ओ मेंटेनेंस रिसर्च एंड ओवरऑल इंडिया के लिए एंड ये स्पेशलाइज है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस होता है उसमें एंड ये एयरक्राफ्ट कॉम्पोनेंस और अदर्स जो फुटप्रिंट है सो मेजर एयरपोर्ट में इसका सर्विस है सो ए आई एस एल बेसिकली इंडिया नेशनल फॉर लाइक इन्वाइट कर रहा है वॉक इन इंटरव्यू के लिए कोलकाता में फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी वन ए एंड सी एंड बी टू एव्योनिक्स जिसके पास ये डि डिग्री है वो अप्लाई कर सकते और इफ़ यू हेब स्किल टेक्नीशियन कोर्स इफ़ यू हैव डन कोर्स इन टेक्नीशियन सो वेरियस ट्रेड्स में ले रहा है सो so और इसमें एंगेजमेंट होगा फाइव ईयर्स के लिए सो फाइव ईयर्स का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है एंड ये एक्सटेंडेबल हो सकता है अप टू फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज फॉर ईस्टर्न रीजन एंड यह वैकेंसी टेंटेटिव है ये कम या बढ़ सकता है इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दर्गनाइशन सो वैकेंसी कितना है देख लेते हैं सो वैकेंसी जो है इसमें फर्स्ट so, जो पोस्ट है दैट इज़ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन सो वी वन बी टू जो एयरक्राफ्ट जो टेक्नीशियन है सो इसमें ट्वेंटी नाइन वैकेंसी है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी टू इसमें अठारह वैकेंसी है एंड स्किल टेक्नीशियन में और मशीनिस्ट वन वैकेंसी नंबर फोर स्किल टेक्नीशियन फीटर और शीट मेटल चार वैकेंसी है एंड नंबर फाइव में स्किल टेक्नीशियन कंपोजिट कारपेंटर में दो वैकेंसी है नंबर सिक्स में है स्किल टेक्नीशियन वेल्डर एक वैकेंसी नंबर सेवन स्किल टेक्नीशियन टेलर इसमें एक वैकेंसी है नंबर एट स्किल टेक्नीशियन पेंटर दो वैकेंसी है एंड नंबर नाइन स्किल्ड टेक्नीशियन एन इसमें दो वैकेंसी सो टोटल साठ सिक्सटी वैकेंसी है सो वकीन इंटरव्यू लोकेशन कहाँ पर है सो so, लोकेशन ये वाला है ए इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड इसका एड्रेस है न्यू टेक्निकल एरिया दम दम कोलकाता एयरपोर्ट कोलकाता फिफ्टी टू एंड टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है ट्वेंटी सेवंथ एंड ट्वेंटी एट सो दिस इज द टेंटेटिव डेट इस डेट में हो सकता है सो so, इसमें रिजर्वेशन है एज पर रिज़र्वेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का एस सी एस टी ओ कैंडिडेट के लिए एज पर जो डिडेक्टिव है उसके हिसाब से सो so, रिक्वायरमेंट क्या बता रहा है सो so, रिक्वायरमेंट है इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है सो मैक्सिमम एज लिमिट जो बता रहा है जनरल ई ये थर्टी सेवन का रहा है सो करेक्टली इट विल बी लाइक थर्टी फाइव ईयर्स एज एंड ओ के लिए ये होगा थर्टी एट एंड एस सी के लिए अप टू फोर्टी ईयर्स सो ये थोड़ा गलत है ये कॉरीजेंडम में बाद में ये लोग करेक्शन किया है यू कैन गो टू दैट कॉरीजेंडम एंड रीड अकॉर्डिंगली एंड एक सर्विस मैन का लिए इसमें एज़ पर जो गवर्नमेंट डरेक्टिव है उसके हिसाब से छूट एज में सो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बता दिया फाइव ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है एंड इट कैन भी रीन्यूड अपट टाइव फिफ्टी एट ईयर ऑफ एज डिपेंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड योर परफॉर्मेंस और कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस सो इसमें एम्यूलमेंट सैलरी कितना मिलेगा ट्वेंटी फाइव था रुपीस मिनिमम uh, इसका सैलरी है डिपेंडिंग ऑन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एंड अगर फिटमेंट प्रॉपर फिटमेंट उसके बाद दिया जाएगा सो so, कंपनी के पॉलिसी जो यूनिफॉर्मिटी पेमेंट का है उसके हिसाब से मेंटेन किया जाएगा एंड इंक्रीमेंट्स एप्लीकेबल है एज पर कंपनी पॉलिसी आफ्टर ज्वाइनिंग ई आएस एल सो इनिशियली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मिलेगा सो so इसके बाद फिटमेंट सैलरी फिटमेंट होगा और इंक्रीमेंट भी मिलेगा यहाँ पे नेक्स्ट फिट सिलेक्शन प्रोसीडियर के बारे में देख लेते हैं सो सिलेक्शन प्रोसीडियर जो है सो so, पहले इसका सिलेक्शन होगा प्रीलीमिनरी स्क्रीनिंग होगा पहले सो so, उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट एंड नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आपका अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म बाई विजिटिंग द लिंक विद इन उन्नीस उन्नीस तीन सो उन्नीस तीन दो हज़ार तेईस के अंदर आपको एक लिंक है सो लिंक फिलअप करना है पहले सो so उसके बाद ही आप वॉक इंटरव्यू -in में अटेंड कर सकते हैं सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो बियॉन्ड जो डेट दिया गया उन्नीस मार्च के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड अगर आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप नहीं करते सो वॉक इन इंटरव्यू में अगर आप डायरेक्ट आते हैं सो so आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा इसमें लिंक दिया गया है सो वट इज़ दैट लिंक सो ऑनलाइन लिंक है दो लिंक है फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी वन एंड बी टू ये जो लिंक है सो so ये लिंक जो फॉर्म है गूगल डॉक्स सो इसमें ये लिंक में जाके आपको फ़िलअप आप करना है और अगर आप स्किल टेक्नीशियन के लिए इंटरेस्टेड है सो तो आपको ये जो फॉर्म्स जो एड्रेस दिया गया उसमें जाके आपको फ़िलअप आप करना है एंड फ़िलप करने के बाद आपको जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है इस लिंक में दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को अपना जो करेक्ट ई मेल है वो ई मेल भी प्रोवाइड करना है ये लिंक में जाके सो so, ये लिंक से ही बेसिकली शॉर्ट किया जाएगा सो शॉट के बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनको टेक्निकल असेसमेंट एंड फिज़िकल इंटरव्यू के लिए ई मेल में उनको मेल भेजा जाएगा सो टेक्निकल असेसमेंट और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है ट्वेंटी सेवन्थ एंड ट्वेंटी एट मार्च दो हज़ार तेईस को सो so, पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना है विदिन नाइनटीन मार्च देन यू कैन अप्लाई और यू कैन अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू अकॉर्डिंगली जो आपको मेल भेजा जाएगा सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो डिटेल्स है एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं सो एलिजिबिलिटी पोस्ट वन जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन है बी वन जो ग्रेड है सो so, कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं so, सो उनके लिए ने जो बताया कि ए एम का डिप्लोमा और आपके पास अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है दो या तीन साल का अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया है फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अगर ये अप्रूव हुआ फ्रॉम डी जी सी ए विथ सिक्सटी मार्क्स और इक्वी और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है देन फिफ्टी मार्क्स होने से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें और एक ऑप्शन है अगर आप को डिग्री और डिप्लोमा है इन मेकानिकल और एरोनाटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवैलेंट डिग्री है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विद सिक्सटी परसेंट मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड एस सी एस टी ओ बी के लिए फिफ्टी फाइव परसेंटेंट मार्क्स होने से आप अप्लाई सकते हैं और अगर आप एक सर्विस मैन है सो so एक सर्विस मैन के लिए क्या क्वालिफिक है सक्सेसफुल कंप्लीशन आपके पास अगर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू चार साल का कोर्स किया है डिप्लोमा इक्वलेंट सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेकैनिकल एरोनोटिकल जो कंडक्ट होता है इंडियन एयरफोर्स नेवी आर्मी विंग से सो यक्सेप्टेबल है एज पर एज अ कॉलिफिकेशन बाई डी जी सी ए फॉर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ सिक्स क्राइटेरिया सो दिस इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है सो so, कैंडिडेट्स को यहाँ पे बोल रहा है कि मस्ट हैव मिनिमम वन ईयर एविएशन एक्सपीरियंस चाहिए सो so, ये एक्सपीरियंस मैंडेटरी बोल रहा है सो वन ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एंड एविएशन एक्सपीरियंस प्री फ्लाइट चेक स्नैक्स रेक्टिफिकेशन कॉम्पोनेंट ये सब होने से आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास आर टी लाइसेंस है देन आपको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा नेक्स्ट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन बी टू सो बी टू ग्रेड के लिए क्या बोल रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स अदर देन एक्स सर्विस मैन सो अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है देन एम ई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ओ टू और मतलब दो साल या तीन साल का कोर्स आपने किया है इन एवियोनिक स्ट्रीम फ्राम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनस अप्रोव बाई डी जी सी अगर सिक्सटी परसेंट मार्क्स है एंड अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी कम्युनिटी से फिफ्टी परसेंट मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका आपके पास डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस टेली रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इक्विफलेंट रिकोगनाइज बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड 60 परसेंट अगर आपके पास मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी एंड एसी एस टो बिजिकली फिफ्टी फाइव मार्क्स है देन यू कैन अप्लाई एंड एक सर्विस के लिए इसमें अगर आप आर्मी नेवी जो डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रोमेशन इंस्ट्रोमेंटेशन एवियोनिक्स में अगर किए हैं सो यू कैन अप्लाई सो इसमें भी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स को एटलीस्ट वन ईयर एविएशन एक्सपीरियंस चाहिए और एविएशन एक्सपीरियंस जो स्नैग एक्टिविशन अदर जो रिक्वायरमेंट वगैरह आपके पास है सो तो आप एपल, उसको प्रीफरेंस मिलेगा और अगर आपके पास आर लाइसेंस है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा नेक्स्ट जो बेसिकली जो आई कैंडिडेट है या एनसीडी कोर्स जो किए हैं सो बेसिकली उनके लिए ये है सो नंबर थ्री जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है सो स्किल टेक्नीशियन मशीनिस्ट डिप्लोमा और आई इन कंसर्न ट्रेड दैट इज मशीनिस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और एनसीबीटी मशीनस्ट ट्रेड सो यू कैन अप्लाई नंबर फोर जो है दैट इज़ स्किल टेक्नीशियन सो स्किल टेक्नीशियन फीटर और शीट मेटल में आपका आईटीआई कोर्स है और आईटीआई टी आई ट्रेड में है फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनसी इन फीटर और शीट मेटल ट्रेड में है तो अप्लाई कर सकते हैं नंबर फाइव स्किल टेक्नीशियन और कारपेंट्री सो इसमें आई टी आई कॉम्पोजिट कारपेंट्री और प्लास्टिक प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग एफ आर पी टेक्निक्स रिकॉगनाइज बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एनसी टीविटी से कोर्स किए हैं कंसर्न ट्रेड में देन यू कैन अप्लाई सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्किल टेक्नीशियन वेल्डर सो स्किल टेक्नीशियन वेल्डर जो मांग रहा है आई टी ट्रेड वेल्डिंग में फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एन और वेल्डर ट्रेड में किए हैं कोर्स देन यू कैन अप्लाई नंबर सेवन स्किल टेक्नीशियन दैट इज़ टेलर आफुलस्ट्री सीविंग टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास आई टी कोर्स का डिग्री है और डिप्लोमा है लाइक टेलर आफोल स्ट्री सीविंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉगनाइज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने किए हैं और एन सी टी बी टी कोर्स कंसर्न ट्रेड में किए देन यू कैन अप्लाई नंबर एट स्किल टेक्नीशियन पेंटर आईटीआई कोर्स अगर आपने किए हैं पेंटिंग में और पेंटर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन पेंटर ट्रेड देन यू कैन अप्लाई नंबर नाइन जो है दैट इज स्किल्ड टेक्नीशियन दैट इज़ एन सो बी अगर आपके पास फिजिक्स का डिग्री है बी और डिप्लोमा इन मेकेिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और बी और बी इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कोर्स किया है देन यू कैन अप्लाई सो इसके लिए टू ईयर्स एन फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए और वन ईयर एक्सपीरियंस इन एविएशन एन फील्ड इन एडी करेंट अल्ट्रासोनिक ए पी आई एम मेथड सो इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई और अदर जो ऊपर वाला जो पोस्ट है सो उसके लिए जो एक्सपीरियंस बोल रहा है सो देट इज़ लाइक टू ईयर्स रिलेवेंट ट्रेड कोर्स आपने किए हैं इन द इंडस्ट्री इंक्लूसिव ऑफ एक्सपीरियंस प्रायर टू एन सो एनसीटीविटी के बाद दो साल का अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है यू कैन अप्लाई और एक साल का अगर एविएशन एक्सपीरियंस है देन यू कैन अप्लाई सो दिस इज़ द एवियेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सो अदर डिटेल्स देखते हैं सो so, अभी इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जान लेते हैं सो हाउ टू अप्लाई सो इंटरेस्टेड अगर है तो कैंडिडेट को ए जो में दिया गया है सो so रिक्वायर्ड आपको एक लिंक दिया गया है सो so, वो लिंक में आपको अप्लाई करना है ये जो वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट ए आई एस एल डॉट इन करियर डॉट ए एस पी एक्स सो विद इन टाइम फ्रेम जो बताया गया है नाइन्टीन मार्च इसके अंदर आपको अप्लाई करना है एंड कैंडिडेट्स को जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके आप जाएंगे इंटरव्यू में तो आपका जो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया उसको फ़िलअप करके लेके जाना है और अदर्स जो रिक्विजी डॉक्यूमेंट है और एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी दैट इज़ रुपीज़ वन थाउजेंड सो इंटरव्यू के वक्त दैट इज शेड्यूल ऑन ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट मार्च आपको लेके जाना है जो आपको ई मेल में कम्युनिकेट किया जाएगा जो शॉट लिस्टेड होंगे उनको और इसके साथ जो डिमांड ड्राफ्ट है ऑरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आपको लेके जाना है वॉक इन इंटरव्यू के वक्त एंड इसके लिए कोई पोस्ट या कुरियर आपको नहीं करना है और जो डिमांड ड्राफ्ट बताया गया है सो so डिमांड ड्राफ्ट को इशू करना है इन फेवर ऑफ़ ए इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पी एट न्यू दिल्ली एंड आपको आपका पूरा नाम मोबाइल नंबर और कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं सो रिवर्स साइड है जो डिमांड ड्राफ्ट का रिवर्स साइड में आपको लिखना है एस सी एस टी एक्स सर्विस मैन ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट एग्जेमटेड है ये एक हज़ार रुपया उनको फी नहीं देना है और नेक्स्ट जो बोल रहे हैं दैट इज़ वन पर्सन कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट अगर आपको दूसरा पोस्ट में अप्लाई करते करना चाहते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है देन आप अप्लाई कर सकते हैं बट उसके लिए आपको सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट ईच पोस्ट के लिए बनवा ले के लेके जाना है एंड प्रोवाइडेड आप एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो ही आपको एंटरटेन किया जाएगा नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रिलिमिनरी जो सिलेक्टेड होंगे वो कैंडिडेट को फॉलोइंग जो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट है वॉक इन के वक्त वॉक इन इंटरव्यू के वक्त वो लेके आना है सो so, ऑरिजिनल जितका क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल एंड टेक्निकल जो सर्टिफिकेट वो आपको लेके जाना है एज पर क्राइटेरिया औरजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ परमानेंट एंड अ प्रेजेंट एड्रेस एज वेल इसको एड्रेस लेके जाना है प्रूफ ऑफ एड्रेस नंबर दो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके जाना है आधार कार्ड आईडी प्रूफ लेके जाना है पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट कोई भी आप लेके जा सकते हैं और एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट दैट इज वन थाउजेंड रुपीज़ पर जनरल कैटेगरी लेके जाना है एस सी एस टी एक सर्विस मैन ए डब्ल्यू एस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पेमेंट एंड ये जो डिमांड ड्राफ्ट है वो पहले भी बताया है सो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है इन फेवर ऑफ़ ए इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट न्यू दिल्ली एंड सेपरेट डी अगर आप दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट के लिए भी सेपरेट डी आपको बनाना है बनवाना है अगर आप आइस आर्मी हैं देन आपका जो सर्विस जो डिस्चार्ज है सो उस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी कम्युनिटी से है नॉन क्रीमिलियर ओ ब सी के लिए लेके जाना है उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड एज वेल एज वन कॉपी लेके जाना है और ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट ई डब्ल्यू एस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है नेक्स्ट बोल रहे हैं कैंडिडेट्स को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो करना है सो so, इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट है दैट इज़ रिसेंट पासपोर्ट साइज नॉट मोर देन थ्री मंथ ओल्ड थ्री मंथ्स ओल्ड कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके जाना है फुल फेस फ्रंट व्यू एंड इसको एप्लीकेशन फॉर्म के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अपलोड करना है एंड आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें भी पेस्ट करना है नेक्स्ट अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं सो so, ओबीसी कैटेगरी के, के लिए इंटरव्यू के वक्त सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपी आपको देना है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और ये रिसेंटली इशू होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली नॉन क्रीमिलियर क्लॉज होना चाहिए एंड ये एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए नेक्स्ट एप्प्लिकेंट्स uh, जो ऑर्डिनरी डोमिसाइल है कश्मीर डिवीजन दैट इज जम्मू कश्मीर डिवीजन से अगर आप है सो so, उनको आपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा सो so उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फ्रॉम द डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट ऑफ कश्मीर डिवीजन सो दे विल गेट एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट एप्लीकेंस जो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया so उनको अदर्स जो करेक्ट है वो जो डिटेल्स है वो आपको फर्निश करना है अगर कोई इन्फॉमेसन अगर आपने गलत दिया है या कोई फॉल्स बाद में पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेल्फ एटेस्टेड क्लियर कॉपी ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ एटस्टेड कॉपी भी आपको देना है दट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट ट्रेड इन द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एंड जो अपलोड किया है एप्लीकेशन के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेके जाना है विद वन सेल्फ एडस्टेड कॉपी एंड इसके साथ एस सी एस टी ओ बी जो जो कास्ट सर्टिफिकेट है एंड इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर ई डब्ल्यू एस वो फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए ऑरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू टेक्निकल असेसमेंट जब होगा फॉर वेरीफिकेशन परपज ओनली इसको ऑरिजिनल आपको सबमिट नहीं करना है और अटैच नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओनली आपका जो फोटो कॉपी है वो अटैच करना है ओरिजिनल आपके साथ ही रखना है और अगर ओरिजिनल हो जाता है तो कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आप कोई गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं देन आपको एक एन लेके आना है और आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज मस्ट नेक्स्ट जनरल कंडीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं सो जनरल कंडीशन बोल रहे कि जो वैकेंसी है सो so वैकेंसी को नोटिफिकेशन जो दिया गया है सो so इंडिकेटिव है ये डिक्रीज़ या इंक्रीज हो सकता है और मैनेजमेंट का पूरा राइट है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी डिफारमेंट कैंसलेशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है जो इम्पेलानमेंट हो गए सिलेक्शन एम्पेलेंट डज नॉट गारंटी जो सिलेक्शन अगर एम्पेलानमेंट होगा सो कैंडिडेट को गारंटी नहीं करता अपॉइंटमेंट के लिए एंड रिलीज ऑफ कैंडिडेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द सिलेक्ट लिस्ट डिपेंड ऑन द रिशन ऑफ द कंपनी सो कंपनी का रिशन ही फाइनल है यहाँ पे और कैंडिडेट्स सुइटेबल शॉर्टलिस्टेड जो होंगे सो so उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको रिक्रूट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ़ फाइव ईयर्स एंड अगर आप मेडिकल फिट पाया पाया गया तो आपको फाइव ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा एंड मेडिकल कॉस्ट मेडिकल टेस्ट का जो कॉस्ट है वो कैंडिडेट को बी करना है एंड ए आई कोई मेडिकल जो एक्सपेंसेस है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा सो मेडिकल टेस्ट ऑल अदर जो कॉस्ट है वो आपको बीयर करना है ए उसका कोई री नहीं प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट बोल रहा है थे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और अगर आपका अनसैटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल है फॉर द फर्दर टर्म ऑफ फाइव ईयर्स सो अगर आपका काम अच्छा रहा अदर डिटेल्स कंपनी का रिक्वायरमेंट अच्छा रहा देन कॉन्ट्रैक्ट फर्दर फाइव ईयर्स के लिए रिन्यू होगा डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड जो है सो प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग के बाद आपका जो फिक्स टर्म इंगेजमेंट है सो so, उसके साथ आपको अदर्स जो बेनिफिट दिया जाएगा सो दैट इज़ आपको प्रोविडेंट फंड ग्रेजुटी ए एस मेडिक्लेम बेनिफिट दिया जाएगा एज़ पर द कंपनी पॉलिसी एंड कैंडिडेट्स को इनिशियली पोजिशन ईस्टर्न रीजन में दिया जाएगा बट ये ट्रांसफरेबल जॉब है इन स्टेशन विद इन और आउटसाइड बेस्ड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट सो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए एंड कैंडिडेट्स को जो एग्ज़ाम या अकोमोडेशन जो अदर्स हाउसिंग जो है सो so, उनको खुद से अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग सो प्लेस ऑफ पोस्टिंग में कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कंपनी की तरफ से आपको खुद अरेंज करना है एंड कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन में असाइन एडिशनल ड्यूटीज वैन रिक्वेंट सो एडिशनल ड्यूटी भी आपको करना है एस सी एस टी कैंडिडेट जो है सो so, उनको एक रिमबर्समेंट मिलेगा टू एंड फ्रो रेल फेयर अगर वो किसी जगह में काम नहीं करते तो सो दिस इज़ फॉर इंटरव्यू पर्पज़ एंड एनी स्टेज में अगर कोई फॉल्स इंफॉमेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको आपने कुछ छुपाया है सो so आपको कैंडिडेट अगर ये पकड़ा गया तो आप कैंडिडेट से रिजेक्ट हो जाएगा और एनी अदर्स कैनवेसिंग एंड अगर कोई इन्फ्लुएंस अगर आप करना चाहते हैं सो so आपको डिसक्वालीफाइड माना जाएगा सो फ्रेंड्स दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट फॉर्मैट एंड दिस इज़ द एप्लीकेशन फॉर्मैट सो पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है उसके बाद ही ये फिलअप करना है एंड इसमें आपका जो पासपोर्ट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफर चिपकाना है साइन अक्रॉस करना है जो डिटेल्स से आपको भरना है एंड जो जो डिटेल्स दिया गया है सो so, प्रॉपरली आप फ़िलअप कीजिए फिलप करने के बाद अगर आपका कॉल आता है सो so, ये फॉर्म आपको फिलअप आप करके लेके जाना है अलंग विथ आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स लेके सो so, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें दिया गया है सो so, एप्लीकेशन फ़ी डी जो है वन थाउजेंड रुपीज़ इसमें एक्स करना है एक्स मार्क करना है दो एडिशनल रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो तो लेके जाना है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टेंथ ट्वेल्थ मार्क्शीट पासिंग सर्टिफिकेट आई डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट विद कॉपीज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर कास्ट सर्टिफिकेट ए सी एस टी बी सी के लिए इनकम एससेट सर्टिफिकेट फॉर ई डब्ल्यू एस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आई डी प्रूफ आइड प्रूफ में पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस सकते हैं एंड एक्स सर्विस मैन के लिए डिस्टर सर्टिफिकेट और एप्लीकेंट्स को ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको एक प्रिंट भी लेके आना है एंड ये फॉर्म को फिलअप करके जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और टेक्निकल असेसमेंट होगा ये प्रिंट करके इसको आपको लेके आना है फिलअप करके और ये जो रिमबर्समेंट फॉर्म है फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट्स सो ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके लेके आना है एंड आदर्स डिटेल्स फिलअप करके रिमबर्समेंट परफर के लिए आपको जो जितना आपका खर्चा हुआ है आने के लिए सो so आपको रिमबर्स किया जाएगा सो फ्रेंड्स आई होप दैट दो डिटेल्स बताया गया है एडवर्टाइजमेंट में एंड आदर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाया अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई डाउट है ओब्वियसली यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो एंड ये इनफॉमेसन अगर आपको अच्छा लगा है ना आपको ऐसे ही लेटेस्ट ट्रेवल जॉब रिलेटेड वीडियो चाहिए देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो